सबसे पहले आता हूं हिजाब पर, उन बुरखा डिजाइनर्स को पकड़ना चाहिए सबसे पहले। किसको? उन बुरखा डिजाइनर्स को पकड़ना चाहिए जिन्होंने बुरखे को ही जीनत बना ली। ऐसा बुरखा पहनते हैं जिस पर और एक ऊपर बुरखा पहनने की जरूरत पड़ गई। आई बात समझ में? अल्लाह सुभान ताला ने आयत नाजिल की है सूरे फुरकान सूरह नंबर 24 के आयत नंबर 31 में अल्लाह सुभान ताला ने कहा, अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढांक लो, ये हुक्म है। सहाबा का अमल क्या था? सुनते ही सहाबिया ने अपने आप को लपेट लिया। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हिजाब जो है दिल में होना, अब दिल फाड़ के दिल बाहर निकाल के उसको हिजाब में रख देना असल पर। उनका दिल का हिजाब जो रहता, दिल फाड़ के दिल निकाल के उसको हिजाब में रखा। दिल का हिजाब, दिल की नमाज, ये खबर में तुम बोले समझो, फरिश्तों को दिल की नमाज बोलते, शिपल के पढ़ते, वो रोबोट की तरह प्रोग्रामड रहते, वो रोबोट के सवाल पूछते जवाब एक्यूरेट आना। कंप्यूटर पर कभी एंट्रेंस एग्जाम्स लिखे ना, उन्हें कंप्यूटर भी नहीं सुनता तुम्हारी, जो डाले सही को सही, गलत को गलत। आई बात समझ? तो हुक्म है हिजाब के, हुक्म के बारे में सोच लीजिए। जो ये कहते कि हिजाब हमारे लिए जरूरत नहीं है, उन खवातीन के लिए ये है कि जैसे ही ये आयत आई हिजाब की, इस कायनात के सबसे बेस्ट ग्रुप खवातीन ने इस कायनात के सबसे बेस्ट ग्रुप सहाबा से पर्दा किया। सहाबियात ने सहाबा से पर्दा किया का माना यह है कि क्या सहाबा नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक देखते थे सहाबियात को? मतलब यह है नहीं है, मतलब यह है कि जो हुक्म आया वो अमल करना ही करना है। ये आयत का मफहूम जब तक हमने, हाँ भाई ठीक है, वो ने इसको नहीं देखता, उसको नहीं देखता, वो रेप कम होता, ये फला होता, वो बाहर के स्टैटिस्टिक से पूरे, सबसे पहले एक मुसलमान के दिमाग में क्या होना चाहिए? सुना, अमल किया, बाद में उसका फायदा देख लूंगा मैं। मैंने सुना, मैंने दाढ़ी छोड़ी, मैंने सुना, मैंने टखने के ऊपर रख लिया, ने टखने के ऊपर रखे तो क्या होता? अरे वो छोटे भाई का पैंट पहन लिया बोलते, होता ना ऐसा? मुझे भी हुआ शुरू, छोटे भाई का पैंट, अरे इतनी उम्र में दाढ़ी छोड़ लिया, बुढ़ा दिख रहा बोल। आई बात समझ में? अरे बच्ची अभी छोड़ दी चाहिए 14-15 साल की, बुरखा क्या बना रहे, बुढ़ी बना दे रहे उसको। ये हैदराबादी लैंग्वेज में बोल रहे हैं जो होता हमारे अंदर। हमारा हाल क्या होना चाहिए? उन सहाबा का होना चाहिए, उन सहाबा की तरह होना चाहिए जो सुने और कर दिए। हमने सहाबा का क्या था? समय ना वाता। हमारा क्या है? समय ना, बस समझना पहले इसमें कितना फायदा है कितना फायदा नहीं है, कैलकुलेट करना, उसके बाद अमल करना। समय ना वाताना सहाबा का था, समय ना वा समझना, फिर डिसीशन लेना, फिर अमल करना हमारा है। तो इस कौम पर अल्लाह सुभान व तआला रहमत और बरकत कैसे वहां नाजिल करेगा भाई? आई बात समझ? खवातीन के पास था, मैं दूर जाना नहीं, भूल जाऊंगा मैं। उन बुरखा डिजाइनर्स को पकड़ो, उनको बोलो जो तुमने ये डिजाइन किया है ना बुरखा, जो खातून पहनेगी, जो वो गुनाह कर रही है, पूरा का पूरा मुकम्मल गुनाह तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रहा। आई बात समझ में? ऐसा तंग बुरखा नहीं देखने वाला भी देख रहा भाई, ऐसे ऊपर से नीचे तक चमकियां। आई बात समझ में? थोड़ी हैदराबादी लैंग्वेज, थोड़ा ह्यूमर डाल रहा हूं बीच में। ऐसा बुरखा, ऐसी जीनत के नहीं देखने वाला भी देख रहा। बुरखा हमारा जो हिजाब का हुक्म है ना, उस हुक्म के मकसद को फौत कर दिया। उनका वो बुरखा डिजाइनर उसको पकड़ो जरा। अब हमारे खवातीन के लिए, उनके लिए रोल मॉडल क्या होनी चाहिए? वो सीरियल की वो एक्ट्रेस जो इस तरीके से साड़ी पहनी, तो मेरे को भी इस तरीके से साड़ी होना, नहीं तो मैं शोहर से बात ही नहीं करती। वो उन्हें इस तरीके से लिपस्टिक लगाई, तो मैं भी इस तरीके से लगाऊं तो मैं सास से बात नहीं करती। उसने इस तरीके से शोहर को जबरदस्ती मनवाया, इधर भी इस तरीके से मनवाने की कोशिश करे, ऐसी की तैसी तलाक हो गया। नहीं, वो सीरियल में चलता, उनको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती एक दिन की, यहां कुछ भी नहीं मिलता, या ज्यादा जबान बाहर निकलते ही जितनी औरत की जबान ज्यादा बड़ी रही उतना उसका अजवाजी जिंदगी छोटे होती रहती। ये खवातीन को समझ लेना चाहिए।